राज्य सरकार ने हवाई अड्डों पर सोलर एनर्जी की खपत को बढ़ाने के लिए सोलर रूफटॉप लगाने की योजना बनाई है। इसी को लेकर जरेडा की टीम ने बोकारो हवाई अड्डे का निरीक्षण कर हवाई अड्डे के अधिकारियों से बात की। वहीं जरेडा के 2 सदस्य टीम ने बोकारो हवाई अड्डे का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार कर रही है कि आखिर इस हवाई अड्डे में कितने किलोवाट के सोलर एनर्जी की आवश्यकता है, जिसके तहत प्रपोजल तैयार कर सरकार को भेजा जाना है। वहीं जरेडा के प्रोजेक्ट इंजीनियर मुकुल कुमार ने बताया कि अभी सर्वेक्षण का काम किया जा रहा है। सर्वेक्षण के बाद यह पता लग पाएगा कि यहां सोलर एनर्जी के लिए कितने वॉट तक का सोलर रूफटॉप लगाया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि इस काम को शुरू करने में 3-4 महीने का वक्त लगेगा। हम लोग अभी झारखंड सरकार की जो रिन्यूअल एनर्जी एजेंसी है जरेडा, वहाँ से आए हैं। तो अभी झारखंड सरकार की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जितने एयरपोर्ट्स हैं उस पर सोलराइजेशन किया जाना है, यानी रूफटॉप सोलर का वहाँ पर स्थापन होना है। तो उसी के अंतर्गत हम लोग अभी सर्वेक्षण करने आए हैं कि यहाँ पर कितने किलोवाट का रूफटॉप सोलर लग सकता है। तो वही सर्वेक्षण हम लोग देख के फिर यहाँ से रिपोर्ट भेजा जाएगा, तब इसके थ्रू फिर टेंडर की प्रक्रिया की जाएगी। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।